चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं स्नेहा। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों चारों तरफ हर जगह, चाहे वो चाय की थड़ी हो या गांव की चौपाल, सिर्फ चुनावी चर्चे देखे सुने जा रहे हैं। जी राजस्थान न्यूज ने भी विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर जानने की कोशिश की कि सरकार के कामकाज को लेकर आम जनता कितनी संतुष्ट है, क्यों ना उनका मन टटोला जाए। आज हम आपको अलवर के मुंडावर से दिखाएंगे चुनावी चौपाल। मुंडावर के विधायक धर्मपाल चौधरी का पिछले दिनों बीमारी के चलते निधन हो गया था और उनकी जगह आजकल उनके पुत्र मंजीत चौधरी क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे हैं। मुंडावर को पहले मदनपुर के नाम से जाना जाता था और मुंडावर विधानसभा जाट और यादव बाहुल्य सीट मानी जाती है। एनसीआर क्षेत्र में होने के बावजूद मुंडार कस्बा विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो काफी पीछे नजर आता है। आज मुंडावर के चौपाल में विकास को लेकर चुनावी चर्चा चल रही है। सीधे आपको लिए चलते हैं चुनावी चौपाल में। जी राजस्थान न्यूज के चुनावी चौपाल में इस समय हम खड़े हैं अलवर की विधानसभा मुंडावर में। मुंडावर में हम आपको दिखाना चाहेंगे चुनावी माहौल कैसा है इस समय। आगामी दिनों में चुनावी तैयारियां जोरों पर है और विधानसभा चुनाव लगभग दिसंबर में प्रस्तावित भी है। ऐसे में चुनावी चौपाल का जो हमारा मुद्दा है, हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पिछले 4.5 साल में कैसा रहा सरकार का, भाजपा का कार्यकाल। ऐसे में हम आपको यह बताना चाहेंगे यहाँ के जो विधायक थे धर्मपाल चौधरी जी, वो इस समय हमारे बीच में नहीं है। पिछले दिनों बीमारी के चलते उनका देहांत हो गया था। ऐसे में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे बीच में मंजीत सिंह जी हैं, उनके पुत्र हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे, सर आपसे जानना चाहेंगे, पिछले 4.5 साल का कार्यकाल में क्या विकास कार्य आपके द्वारा कराए गए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की सरकार में पिछले 4.5 वर्षों में जो कार्य किए गए हैं, वो आप तुलना करें 50 साल की और इन 4.5 साल की, तो ये 4.5 साल उन 50 साल के ऊपर भारी पड़ेंगे। आप अलवर से आए हैं तो आप देख रहे होंगे ततारपुर चौराहे से जो रोड का कार्य चल रहा है, यहाँ पे बैठे एक भी व्यक्ति ने नहीं सोचा होगा कि मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 2 लेन एक हाईवे निकल सकता है जो कि 55 करोड़ की लागत से बनने वाला है। इस तरह से और भी योजनाएं हैं, सड़कें तो हैं ही हैं, पानी की योजनाएं हैं जो मेरे पिताजी के द्वारा उनके अनुशंसा पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे चालू करी। 8 करोड़ की लागत से ग्राम जिंदोली, मातोर, सोरखा कला, नंगली ओझा, इस तरफ 8 करोड़ की योजनाएं उन्होंने स्वीकृत कराई। अपन बात करें नीमराना की, तो वहाँ पे गांव पड़ता है कुतीना, वहाँ पे 1.85 करोड़ की लागत से अलवर जिले की सबसे महंगी योजना जो पानी की स्वीकृत कराई गई, वो मेरे पिता की अनुशंसा पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे स्वीकृत करी। मेरे वो नीमराना वाली 13 पंचायतें 2008 के अंदर परिसीमन के बाद मुनावर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जुड़ा। 2008 में जब उस क्षेत्र के अंदर हम जाते थे तो वहाँ पे गाड़ियाँ निकलना दुर्भर थी, मतलब गाड़ियाँ फंस जाती थी, ट्रैक्टर बुलाने पड़ते थे गाड़ियाँ निकालने के लिए। आज आप नीमराना से गिलोट इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाएंगे, गिलोट गांव की तरफ जाएंगे, तो वहाँ भी आप देखेंगे कि 2 लेन हाईवे की तरह रोड है। जहाँ पहले 1.25 घंटा पहुँचने में लगता था नीमराना से गिलोट, वहाँ पे आज आप 10 मिनट के अंदर नीमराना से गिलोट पहुँचते हैं। तो विकास कार्य तो 4.5 साल की तुलना में, अगर 50 साल की तुलना में आप 4.5 साल को करेंगे तो 4.5 साल किसी भी तरह उन 50 साल पर हावी है। एक मैडम आपसे जानना चाहेंगे, कविता मैडम है, हम आपको बता दें कि ये हमारे पूर्व विधायक मेजर ओपी यादव जी की धर्मपत्नी है। कविता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जितने विकास कार्य मंजीत सिंह जी गिना रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कोई पर्सनल आर्गू नहीं करूंगी, पर मैं ये बताना चाहूंगी कि भाजपा सरकार ने इन 4.5 साल में उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क रहा है जी। ना तो उन्होंने कोई गंगा का की सफाई कराई है, ना वो अपना जो उन्होंने कहा था हम ब्लैक मनी वापस लाएंगे उसको लाए हैं, ना कहीं महिलाओं को संरक्षण मिला है जी। और ना ही बेरोजगारी की तो हद ही हो गई है, किसी युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिला है, किसान भी बहुत आहत रहा है जी। हमारे यहाँ आगे की प्लान पूछ रहे हैं कि बस इसको खत्म करना जी। अभी जैसा कि कविता जी बता रही हैं कि भाजपा सरकार की बात कर रही हैं, किसान भी आहत रहा है, बेरोजगार की बात आई, भ्रष्टाचार की बात आई, या गंगा नदी के साफ करने की बात आई, कहीं पर भाजपा अपनी जगह पर स्टैंड नहीं कर पाई, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने चौपाल लगाई मुंडावर में। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा राजस्थान के अंदर हमारा 19.5 साल राज रहा है, 2 साल भैरू सिंह जी का, 1 बार 3 साल, 1 बार 5 साल, 1 बार 5 साल मैडम कर, 4.5 साल ये राज रहा है हमारा जी। मैं डेवलपमेंट के एक एक बारे में कहना चाहता हूँ। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। 1952 से यहाँ कोर्ट नहीं था,
91 में कोर्ट खुला जब भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मुनसब न्यायिक मजिस्ट्रेट यहाँ खुला, वो बीजेपी की देन थी, भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री थे। वसुंधरा जी जब हमारी चीफ मिनिस्टर अब 4.5 साल रही, एडीजे कोर्ट खुला तो वसुंधरा जी के राज में खुला, भारतीय जनता पार्टी के राज में खुला, क्योंकि मैं पेशे से वकील हूँ, लोग क्लाइंट बाहर बाहर के लोग आते थे, दोनों कोर्ट भारतीय जनता पार्टी के राज में 91 में और 2018 में खुला है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, शिक्षा के मामले में 1952 से आज तक यहाँ कोई गवर्नमेंट कॉलेज था ही नहीं, बच्चे पढ़ने के लिए अलवर जाते थे, बच्चियां पढ़ती नहीं थी, शिक्षा का क्षेत्र में बिल्कुल जीरो था। राजस्थान की मुख्यमंत्री ने 4.5 साल में मुंडावर के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज की घोषणा की, गवर्नमेंट कॉलेज चालू हो गया और एडमिशन हो गया, बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। और ग्राम पंचायत के स्तर पर अगर कही जाए तो पहले यहाँ 40 ग्राम पंचायत थी, 43 ग्राम पंचायत भी बीजेपी के राज में ही हुई, प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10+2 स्कूल जाकर किसी ने खोला, तो भैरू सिंह जी के बाद में राजस्थान की मुख्यमंत्री ने एक ही ऑर्डर में कहा कि राजस्थान के अंदर जितनी भी ग्राम पंचायत उसमें 10+2 स्कूल होने चाहिए, जिसमें बड़े सौभाग्य से कहना चाहता हूँ कि उस मुंडावर तहसील के अंदर अकेले 19 स्कूल 4.5 साल में 10+2 स्कूल रेंज हुए हैं और 7 स्कूल नीमराणा में रेंज हुए। शिक्षा के क्षेत्र में आईटीआई अगर कहना चाहोगे, यहाँ आईटीआई नहीं थी, बच्चे कहाँ जाए ट्रेंड टर्निंग लेने ट्रेंड करने के लिए। माननीय भैरू सिंह मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के राज में माननीय धर्मपाल जी के नेतृत्व में यहाँ पर हमने आईटीआई खोली है, सुखमन हेडी में आईटीआई चालू है, शिलान्यास पिछली बार हुआ है। तो शिक्षा के क्षेत्र में चाहे कहीं भी चले जाओ, शिक्षा के क्षेत्र में चले जाओ, एजुकेशन के क्षेत्र में चले जाओ, चाहे ऋण माफी के क्षेत्र में चले जाओ, कांग्रेस के भाई बैठे हैं, डिबेट करे तर्क के साथ डिबेट करे, वैसे डिबेट नहीं। मैं कहना चाहूंगा 1991 में, 1998 में अगर कोई कर्ज माफ हुआ किसानों के लिए, कहना चाहता हूं उस समय 5,000 का कर्ज अगर किसी ने माफ किया तो भैरू सिंह जी शेखावत ने किया था, या 50,000 का किसी ने कर्ज माफ किया तो मसूदरा जी ने माफ किया किसान का। बहुत सारी बातें जैसा कि कह रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप बात करें कि बहुत सारे ऐसे विकास कार्य उन्होंने गिनाए, सुरेश जी ने क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आदरणीय भाई हमारे मंजीत जी की बात बड़ी करता हूँ कि वास्तव में ये 4.5 साल 50 साल पे भारी रहे। किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, चाहे स्टूडेंट की बात हो, चाहे लेबर क्लास की बात हो, हर कोई आदमी सब 4.5 साल में पीड़ित रहा है। रही बात मुंडावर के विकास की, तो जो ये रोडों की बात करते हैं, जो ये कॉलेज की बात हो रही है, एडीजे कोर्ट की बात हो रही है, जब 4.5 साल पहले स्वराज संकल्प यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी मुंडावर में आई थी तो उन्होंने ये वादा किया था कि जैसे ही सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ पे एडीजे कोर्ट और कॉलेज खोला जाएगा। उसके मद्देनज़र उन्होंने यहाँ पे कॉलेज की स्थापना करवाई और उसमें भी आप देखेंगे कि बड़ी टूटी फूटी बिल्डिंग थी प्राइमरी स्कूल की, उसको लीपा पोती करके उसमें जैसे तैसे ढांचे में कॉलेज खोला गया और एडीजे कोर्ट की यहाँ स्थापना करी गई। उसी दौरान रोड की बात है तो मैं ये कहूँगा कि इस रोड के अलावा कोई और रोड भी बता दें, क्या विधायक का काम सिर्फ सड़क बनवाना, नाली बनवाना, यही कार्य? माननीय अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में जितने पावर ग्रिड रेज हुए थे, जितने स्कूल रेज हुए थे, और सोडावास का जो इतना बड़ा स्कूल है, गर्ल्स स्कूल, उसको इन्होंने पीपीपी मोड पे दे दिया। बड़ी शर्मनाक बात है, मैं ये कहूँगा इस सरकार को भी पीपीपी मोड पे चले जाना चाहिए। अगर इसके बस की बात नहीं है तो मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दे दे। जी आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से गौरव जी आरोप लगा रहे हैं कि वसुंधरा जी ने चुनावी स्टंट के तहत एनडीएम कोर्ट कहें या कॉलेज की बात करें, वो सब चुनावी वादे थे या चुनावों को देखते हुए वो लॉन्च किए गए? मैं गौरव भाई को और आदरणीय मेरी माता तुल्य कविता जी को कहना चाहूंगा, जैसा दोनों ने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क है, अभी गौरव भाई खुद कह रहे हैं कि 4 साल पहले 4.5 साल पहले मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आई तो उन्होंने मंच के माध्यम से घोषणा करी कि यहाँ पे एडीजे कोर्ट और कॉलेज खोला जाएगा, तो उन्होंने वो घोषणा अपनी पूरी करी। अब ये कहते हैं कि कथनी और करनी में फर्क है, तो मैं इनसे जानना चाहूंगा अभी कहाँ कथनी और कहाँ करनी में फर्क है? उन्होंने अपना वादा किया और वो पूरा किया। अब ये बात करते हैं ग्रिड की, मैं इनको बताना चाहूंगा मेरे पिता के इस कार्यकाल में, माननीय वसुंधरा जी के इस कार्यकाल के अंदर 2 पावर ग्रिड यहाँ पे रेज किए गए हैं, एक मोलावास के अंदर, दूसरा उलाड़ी के अंदर। अगर गौरव भाई को इस बात में कोई संशय है तो मेरे को ये बताएं, एक लंबे समय से कोई 20 साल से सोडावास के अंदर हाई टेंशन लाइन की अंडरग्राउंड करने की बात थी, अगर वो किसी ने कराया तो मेरे पिता ने एमएलए के कोर्स से देकर वो अंडरग्राउंड कराया। वो बात करते हैं अगर सोडावास के गर्ल्स स्कूल की पीपी मोड की, मैं इनकी जानकारी में डालना चाहूंगा, वो पता करें, सरकार के आदेश देखें वो है कि नहीं है, सरकार उस आदेश को निरस्त कर चुकी है। दूसरा मैं बताना चाहूंगा एएन सोडावास की, अगर जेवीवीएन का एएन ऑफिस कहीं खोला गया है और किसी के कार्यकाल में खोला गया है तो माननीय वसुंधरा राजे जी की सरकार में हमारे कार्यकाल में सोडावास में खोला गया है। अगर गौरव भाई को और किसी भी बात पे संशय है, मैं रोड की और बात गिनाता हूँ, जाड़ बेरोड से लेके शाहजहाँपुर से लेके बलरोड तक का रोड है, शाहजहाँपुर से लेके पलावा तक का रोड है, आप जाएं नीमराणा क्षेत्र के अंदर एक भी गाँव गौरव भाई को ऐसा मिल जाए जहाँ पे पहले गए और आप जाएं, तो अगर ये कहें वहाँ पे विकास नहीं हुआ तो इनकी जीतू और मेरा सर,
कहीं ये मेरे को जुटलाते तो मैं इनकी बात सब मानने के लिए तैयार हूँ। चलिए और भी बहुत लोग हैं हमारे साथ, हम आपसे जानना चाहेंगे बलबीर जी आप क्या कहना चाहेंगे, जो मंजीत जी जिस तरीके से विकास कार्यों की बात कर रहे हैं आप कितने सहमत हैं इन बातों से? ऐसा है गांधी जी, मंजीत भाई जो बात कह रहा है ये तो राजनीतिक बातें हैं मंजीत भाई की, जो चीजें काम हुई काम बता रहे हैं, परंतु आम आदमी मंजीत भाई को मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र नहीं मराना है, इसके अंदर जो हमारे खुद किसानों की जमीन गई DMIC है, 5 साल से किसान तराई तराई कर रहे हैं, तो उनकी जमीन रिलीज की जा रही, न उनको मुआवजा दिया जा रहा और न किसी लोकल आदमी को फैक्ट्रीरिया में नौकरी दी जा रही। तो इलाके का मेरे तो 13 पंचायत नीमाना की बात करता हूँ कि वहाँ का काम मंजीत भाई के पास भी वहाँ का काम है, मंजीत भाई लोकल लोगों कितनों को रोजगार दिया है ये मंजीत भाई बताए और कितना विकास किया है। मैं तो यही कहता हूँ, मैंने ये जो काट का माजरा से जाट बर्ड का रोड है ये कब से, मैंने साहिब सिंह वर्मा जी आए थे मेरे गांव में तब उन्होंने कहा था कि मैं करवा दूंगा, आज तक वो घाटी मेरा गांव का जाट बर्ड का 1.5 किलोमीटर का फासला है, आज तक वो काम नहीं हो पाया जो 52 से मांग थी। बार बार हम तो यही कहते हैं विकास तो हर आदमी गिनाता है, पर विकास की तो जब जनता ने वोट दिए तो विकास के लिए दिए, परंतु जो जनता की मांग थी बेरोजगारी, किसानों की परेशानी, किसानों का जो आज लोन है ऋण के चक्कर में, किसान बिजली के लिए हर किसान परेशान है, ये छोटे मोटे रोड तो बनाते कोई भी सरकार आती बनाती रहती है, परंतु जो विकास जनता का मन था जनता ने जिस आधार पर वोट दिया था उनका उनको रिजल्ट नहीं मिला। क्या आप भी सहमत हैं जिस तरीके से बलबीर जी कह रहे हैं कि जिस आधार पर जनता ने वोट दिया था वो काम नहीं हो पाए? मैं सबसे पहले GTU को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने ये चुनाव को लेकर लोगों में जागरूकता के लिए अपना प्रोग्राम आयोजित किया। भाई बलबीर जी निश्चित रूप से इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे मंजीत जी ने भी कहा कि भाई बरडोद से लेके साजापुर तक की जो सड़क का निर्माण हो रहा है, आज बाबा चांदनाथ जी हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय सांसद जी थे, उनका जब वो स्वर्गवासी हो गए तो सरकार को ये लगा कि अब चुनाव में हम क्या मुंह लेके जाएंगे, और उसी दौरान इन सब सड़कों के टेंडर हुए और जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि वो इन सब चीज़ों को समझती है, और वो नहीं समझती होती तो 8 की 8 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर जसवंत की हार हुई। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि विकास हर विधायक करवाता है, हर सरकार कराती है, लेकिन हमारी मुंडावर की जनता इतनी त्रस्त रही कि वो दादिया वाली सड़क थी उसमें 2-2 फुट के खड्डे थे। तो मैं बाबा चांदनाथ जी को तहे दिल से बड़ा उनका शुक्रगुजार हूँ कि जीते जी वो हमारे क्षेत्र में एक दिन भी नहीं आए, लेकिन उसके बाद में सरकार को बाध्य होके ये सारे विकास के काम करने पड़े। सरकार आज ऋण माफ़ी का श्रेय ले रही है 50,000 का, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि इस ऋण माफ़ी में भी खाली वाहवाही के लिए सर्टिफिकेट बांटते जा रहे हैं, उसमें कई हर्डल्स लगाए हुए हैं, जैसे कोई मान लो फौजी पेंशन लेके आया हुआ है तो उसका ऋण माफ़ नहीं होगा। हम ये पूछना चाहेंगे कि जो सरहद पे लड़ रहा है उसको उसकी पेंशन उसकी देशभक्ति के लिए मिल रही है उसका ऋण माफ़ क्यों नहीं हुआ, जिसके पास 4 बीघा से ज़्यादा ज़मीन है उसका ऋण माफ़ नहीं हुआ। तो ये सरकार कुल मिला के झूठे वादे करके वाहवाही लूटने के लिए सर्टिफिकेट बांटने के लिए इसके काम रहे हैं, और 17 की 17 जगह जनता ने पिछले उपचुनाव में इसको हराया है। आप क्या कहना चाहेंगे मौजूदा स्थिति में जिस तरीके से कहा जा रहा है क्षेत्र के बेरोजगार लोगों को यहाँ रोजगार नहीं मिल पा रहा, बहुत बड़ा इंडस्ट्री होने के बाद भी? मैं सबसे पहले तो GTU News को धन्यवाद दूंगा जो कि मुंडार विधानसभा में आई और यहाँ की विधानसभा की यहाँ के लोगों का हाल पूछा। मैं बताना चाहूँगा कि जो 4.5 साल में जो BJP सरकार ने मुंडार विधानसभा में धर्मपाल चौधरी के सानिध्य में इतना काम हुआ, चाहे वो शिक्षा के लेके हो, बेरोजगारी की बात करते हैं तो बेरोजगारी जो नीमरण इंडस्ट्री एरिया है वहाँ के हमारे यहाँ लोकल भी बच्चे वहाँ नौकरी कर रहे हैं, और जो उनकी जो कंपनी की जो योग्यता के आधार पर जो योग्यता कंपनी मांगती है वो उसी हिसाब से उनको भर्ती किया जा रहा है। और 4.5 साल में मुंडावर में कॉलेज अलीबख्श परोना में जो बन रहा है अभी पहाड़ी पे 4 करोड़ की लागत से इतना अच्छा काम धर्मपाल जी ने यहाँ करवाया, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जी जानना चाहेंगे जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि वसुंधरा जी आई थी 100 बेड का अस्पताल खोलने की यहाँ बात आई थी, और खास तौर से आपके क्षेत्र में बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, यह बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इस तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आपको बताना चाहूँगा कि मुंडावर के अंदर फिलहाल 50-बेडेड हॉस्पिटल है, सरकार के द्वारा एक पत्र के जरिए यहाँ पे जांच करवाई गई जिसमें पता चला कि उसी की पूर्ति मतलब कि 50 बेड ही हॉस्पिटल अभी मुंडावर के लिए ज़्यादा है, मतलब कि 50 बेडेड हॉस्पिटल ही मुंडावर के लिए अभी छोटा नहीं पड़ता है, इसलिए 100 बेड की हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं है, उस वजह से यहाँ पे 100 बेडेड हॉस्पिटल नहीं मिला। जिस दिन उसकी आवश्यकता होगी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और सब भाइयों को विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी CM साहब से इस बात में और मेरे पिता की बात हो चुकी थी कि जिस दिन अगर वो बेड छोटा हॉस्पिटल छोटा पड़ेगा
अगले दिन ही सीएम साहब वहाँ पे सीएम साहब यहाँ पे 100 बेडेड हॉस्पिटल अपने वादे के अनुसार यहाँ पे खोलेंगी। दूसरी बात करते हैं वकील साहब, दूसरी बात कर यहाँ आदमी नहीं है, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से बता रहे हैं कि बाकी 50 बेड से कम चल सकता है, कि मुंडावर में आपको लगता है कि 100 बेड के अस्पताल की आवश्यकता नहीं है? देखिए, अस्पताल तो जितना कहा गया था 100 बेड का वही होना चाहिए था, क्यों नहीं जरूरत है? मुंडावर को पूरी आवश्यकता है 100 बेड। चलिए, क्या कहना चाहेंगे मौजूदा स्थिति में? सबसे पहले मुंडावर की सॉरी बात, सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आने वाले समय में जो विधानसभा का चुनाव है उसमें इस 4.5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो पूरे क्षेत्र के लोगों को और पूरे बेरोजगारों को और पूरे युवाओं को इस चीज़ की भलीभांति वो परिचित है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि साहब वसुंधरा यहाँ आई थी उस यात्रा में यहाँ आई थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि वसुंधरा जब यहाँ आई थी तो उसने ये कहा था कि इस मुंडावर में मैं 100 बेड का हॉस्पिटल करूँगी, कहाँ गए वो 4.5 साल 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, आज तक उसमें कोई डॉक्टर नहीं लगाया, आज तक उसमें कोई बेड नहीं डाला वो 100 हॉस्पिटल का, इस तरीके से इन्होंने झूठ बोल बोल के उस समय और ये जनता को धोखा दिया है। इन्होंने कहा था उस समय कि 50 रुपये पेट्रोल और डीजल करेंगे, आज डीजल के पेट्रोल के भाव इनको पता है, कहाँ गया इनका वो वादा। इन्होंने कहा था कि 2-2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी इस विधानसभा में अगर सबसे ज़्यादा इस अलवर जिले में इंडस्ट्रीज हैं, औद्योगिक क्षेत्र है, तो वो नीमराणा है। एक भी बच्चा यहाँ पूरी विधानसभा में खड़ा होकर हाथ खड़ा करके कहे कि साहब मेरे को 4.5 साल में इन कंपनियों में मुझे रोजगार दिलाया, जबकि जमीन इस मुंडावर विधानसभा क्षेत्र की, बिजली हमारे इस विधानसभा क्षेत्र का, और मकान जो बिल्डिंग है वो हमारे विधानसभा क्षेत्र की, और रोजगार दे रहे हैं यूपी और बिहार के लोगों को। यह मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने इस 4.5 साल पहले जो इन्होंने काम किया था, इन्होंने कहा था कि हम 1 के बदले 10 लेकर के आएंगे, इस तरीके से इन्होंने धोखा दिया था। इन्होंने कहा था कि 56 इंच का छीना है हम ये करके दिखा देंगे, ये इन्होंने धोखा दिया था। इन्होंने कहा था काला धन हम 2 मिनट में लेकर के आएंगे, कहाँ है वो काला धन, कहाँ है वो 15 लाख रुपए, कोई बताए तो सही किसी के उसमें है क्या? तो मैं ये कहना चाहता हूं, जी हम आपसे जानना चाहेंगे एक बार फिर, जिस तरीके से आप ही की बात रख रहा हूं मैं, जी अभी उनकी बात अधूरी है, एक बार इस इलाके का हर किसान दुखी है, हर बेरोजगार युवा जो साथी है वो दुखी है, आम आदमी के ऊपर GST लगा करके धंधा सबका चौपट कर दिया, ये इन्होंने 4.5 साल में इस वसुंधरा दिया है। इस वसुंधरा की विदाई यात्रा है, ये गौरव यात्रा नहीं है, इसको कोई मान सम्मान की जरूरत नहीं है। मंजीत जी जानना चाहेंगे जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि वसुंधरा जी आई थी 100 बेड का अस्पताल खोलने की यहाँ बात आई थी, और खास तौर से आपके क्षेत्र में बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, यह बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इस तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आपको बताना चाहूंगा कि मुंडावर के अंदर फिलहाल 50 बेडेड हॉस्पिटल है, सरकार के द्वारा एक पत्र के जरिए यहाँ पे जाँच करवाई गई, जिसमें पता चला कि उसी की पूर्ति, मतलब की 50 बेड ही हॉस्पिटल अभी मुंडावर के लिए ज्यादा है, मतलब की 50 बेडेड हॉस्पिटल ही मुंडावर के लिए अभी छोटा नहीं पड़ता है, इसलिए 100 बेड की हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं है, उस वजह से यहाँ पे 100 बेडेड हॉस्पिटल नहीं मिला। जिस दिन उसकी आवश्यकता होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और सब भाइयों को विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी सीएम साहब से इस बात में और मेरे पिता की बात हो चुकी थी कि जिस दिन अगर वो बेड छोटा हॉस्पिटल छोटा पड़ेगा, अगले दिन ही सीएम साहब यहाँ पे 100 बेडेड हॉस्पिटल अपने वादे के अनुसार यहाँ पे खोलेंगी। दूसरी बात करते हैं वकील साहब, दूसरी बात कर यहाँ आदमी नहीं है, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से बता रहे हैं कि बाकी 50 बेड से कम चल सकता है, कि मुंडावर में आपको लगता है कि 100 बेड के अस्पताल की आवश्यकता नहीं है? देखिए, अस्पताल तो जितना कहा गया था 100 बेड का वही होना चाहिए था, क्यों नहीं जरूरत है? मुंडावर को पूरी आवश्यकता है 100 बेड की, वो होना ही चाहिए था। और क्या कहना चाहेंगे विकास कार्यों की, अगर बात विकास का क्या नहीं हो पाए यहाँ पर, हुआ ही क्या है? कौन से मुद्दे रखना चाहेंगे आप? हम तो अपने आगे आने वाले टाइम की बात बता सकते हैं, हमें तो निंदा करने की आदत नहीं है ज्यादा, पर आगे आने वाले टाइम में हम बेरोजगार भत्ता देंगे 3500 रुपए, और महिलाओं को संरक्षण देंगे, और युवाओं को रोजगार जो है स्थानीय, जो दिक्कत आ रही है, जो उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उसको हम अपना वायदा पूरा करेंगे। और हम जितने हम मेरा बूथ मेरा गौरव प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम उन समस्याओं को लिखते हैं, जो हर गांव में हर बूथ पर जाकर हम जो है पूछते हैं क्या समस्या है, उन समस्याओं को अपने घोषणा पत्र में जारी करके और कांग्रेस को
पूरे वादे करेंगे हम, यही हम कह सकते हैं जी। क्या कहना चाहेंगे, जैसा मैडम कह रही हैं कि बेरोजगारों को अब भत्ता दिया जाएगा 3500 रुपए प्रति बेरोजगार को, सचिन पायलट ने भी ऐलान किया है बेरोजगारों के लिए, क्या लगता है? सर इनको तो झूठ बोलने की आदत है, अगर ये 65 साल इन्होंने राज किया, अगर इस तरह का विकास होता तो इस देश सोने की चिड़िया हो जाता जी। आज ये मोदी जी को इस तरह का इतना परेशान, इतना दुख पाने की कोई जरूरत नहीं थी। इनके सिर्फ हवाई फायर है, इनकी दुकान में कोई सामान नहीं है। जितना मैं पंचायत मुंडनवाड़ा कला, उसमें मैं आपको बता देता हूँ, धर्मपाल चौधरी जी के, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मैंने 5.5 करोड़ का काम कर दिया। 60 लाख हर पंचायत में गौरवपद के प्रदेश सरकार बीजेपी दे रही है। ये जो सिर्फ हवाई फायर करने, इनको तो झूठ बोले तो जैसे आदमी जब डूबता है ना, जब सुवाल होती है उसके हाथ घालते ही हूँ, तो ये हाथ घाल रहे हैं पेवर सरासर झूठ। क्या हाथ आएगा इनके? इनका कुछ भी हाथ नहीं आना, ये तो बीजेपी मोदी वसुंधरा राजे धर्मपाल चौधरी जिंदाबाद है। यहाँ तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है यहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं का, और हम जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से एक विकास और विकास और विकास की बातें की जा रही है। मेरे भाई सरपंच साहब, कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, जबान सबकी है, जबान सब बोल कोई भी सकता है कि झूठ बोल दो, ये कर दो, फलाना जिंदाबाद है। आप अगर विकास की बात करते हो या आप बात आम जन की करते हो, तो आम जन की बात मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, मुंडावर में डॉक्टर के कितने पद हैं और कितने रिक्त हैं? कितना स्टाफ है आपने, कितना नर्सिंग स्टाफ लगा रखा है आपने, कितने उसमें फोर्थ क्लास लगा रखे हैं? ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर सिर्फ 3 लगा रखे हैं जो कि लॉन्ग टाइम से चल रहे हैं, जिसमें भी इतना सा कर रखा है कि एक डॉक्टर अगर यहाँ ड्यूटी देता है तो दूसरा डॉक्टर 7 दिन की छुट्टी पे चलता है, ले देके एक डॉक्टर बैठता है पूरे हॉस्पिटल में। क्या ऐसी व्यवस्था है आपके अस्पताल की? अगर देखो मुंडावर की व्यवस्था, मुंडावर की जनता को एक बात और पूछना चाहता हूँ, विकास अधिकारी का यहाँ पद है, विकास अधिकारी 4 साल से इन्होंने नहीं लगाया, यहाँ 4 साल से इन्होंने ऐसे ही टेम्परेरी व्यवस्था कर रखी है। आप सरपंच साहब बात करते हैं विकास की, विकास अधिकारी है आपके पैसे यहाँ सैंक्शन करता है, विकास अधिकारी काम करता है पूरे विकास का? जब विकास अधिकारी नहीं है तो आप क्या काम करते हैं? अरे यार जाके क्या, मैं रोज देखता हूँ, मैं मुंडावर का हूँ, मैं प्रॉपर मुंडावर का हूँ, मैं रोज देखता हूँ कौन कितना काम करता है, कौन कितना भ्रष्टाचार करता है, कौन कितना लेता देता है जी। आपका काम कहाँ से होता है मैं रोज देखता हूँ। जिस तरीके देखो मैं आपको ओपन कहता हूँ कि आज की जो स्थिति है, जो सरकार की जो स्थिति है, इसको उपचुनाव में जनता ने बता दिया है, कि उपचुनाव में जनता ने इनको नकार दिया है, अब ये इनका विकास और ये लोग पागल हो गए हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। आज जो नीमराणा में बेरोजगारी का मुद्दा है, जो बच्चे आज 15 दिन से अनशन पे बैठे हैं, उनके पास जवाब नहीं है उसके पास देने के लिए इस गवर्नमेंट के पास, कि आज जो बेरोजगारी का मुद्दा है, युवाओं का स्थानीय मुद्दा है, जो SDM कोर्ट के सामने मरने के तादाद के हालत पे पहुंचे पड़े हैं वो बेचारे, उनको इनका कोई प्रतिनिधि, सरकार का कोई वासिंदा, कोई आज तक वहाँ नहीं पहुँचा है। इस सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि आपके दिन अब बुरे आ चुके हैं, जनता समझ चुकी है, उपचुनाव में नकारा जैसे ही आगे नकार देगी। क्या लगता है कि यह जो मामला, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि उपचुनाव में आपको करारी हार मिली, उसमें विशेष जो मुद्दे रहे स्थानीय, वो आप फुलफिल नहीं कर पाए? ऐसा है, एक्चुअल क्या है, जो आपने चौपाल लगाई है रियल पोजीशन में तर्क संगत होनी चाहिए जी। डिबेट का मतलब होता है तर्क संगत उत्तर मिले। अभी थोड़ी देर पहले माननीय कह रहे थे कि वसुंधरा जी ने जो घोषणा की थी वो पूरी नहीं हुई, मैं एक मिनट कहना चाहूंगा उस पर। मैडम स्वराज संकल्प यात्रा लेकर आई थी, 3 घोषणा कर गई थी यहाँ कि भारतीय जनता पार्टी का राज बनेगा, ADJ कोर्ट खुलेगा, भारतीय जनता पार्टी का राज बनेगा, कॉलेज खुलेगा, भारतीय जनता पार्टी का राज बनेगा, 100 बेड का हॉस्पिटल बनेगा, 3 चीजें उन्होंने रखी थी। 3 चीजों में से कॉलेज यहाँ खुल गया, कोर्ट यहाँ खुल गया। 100 बेड के हॉस्पिटल के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ की OPD, यहाँ सर्वे कराया, सरकार के द्वारा भेजे गए नॉर्म्स होते हैं, यहाँ की OPD मात्र 50 आदमियों की थी। OPD ज्यादा बड़ी नहीं थी, चूंकि OPD बढ़नी चाहिए, 50 आदमियों के OPD में 50 बेड का हॉस्पिटल पर्याप्त होता है, इसलिए वो OPD बढ़ी नहीं, इस कारण से वो रेंज नहीं हुआ। जब भी OPD बढ़ जाएगी वो 100 बेड का हॉस्पिटल हो जाएगा, नियम कानून है। क्या कहना चाहेंगे अगर मुंडावर के बस स्टैंड की बात करें, बड़ी बदहाल स्थितियां हैं, क्या कहना चाहोगे ऐसी स्थिति में? मुंडावर के बस स्टैंड के साथ साथ प्रॉपर मुंडावर के कस्बे को विकास को लेकर बात करें तो मैं सम्मान्य कांग्रेस के जितने भी यहाँ जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण जो बैठे हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के राज में प्रॉपर हेडक्वार्टर पे क्या विकास हुआ जी? जितना भी विकास हुआ है वो सारा BJP के राज में हुआ, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी हो,
वर्तमान में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी हैं और धर्मपाल जी के नेतृत्व में जो विकास यहाँ हुआ है, इतना बड़ा विकास पहले नहीं हुआ। एडीजे कोर्ट यहाँ खुला, गौरव पथ 7 लाख की लागत से यहाँ लगा। मैं कांग्रेस वालों से एक ही सवाल पूछना चाहूँगा कि ये बता दें कि 10 लाख से ऊपर इनके विधायक कार्यकाल में कोई मुंडा और हेडक्वार्टर पे पैसा लगा था क्या? चलिए बिल्कुल बात करते हैं, हम बात करते हैं सर, कहना चाह रहे हैं कि आपके कार्यकाल में कहीं किसी क्षेत्र में 10 लाख रुपए भी खर्च नहीं किए गए और इस समय भाजपा राज में करोड़ों रुपए खर्च किए गए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछले अशोक गहलोत के राज में माननीय मेजर ओपी यादव यहाँ से विधायक थे, कितने बिजली ग्रेड यहाँ सैंक्शन हुए, कितनी प्लस टू की स्कूलें यहाँ बनी, और आज की तारीख में ये ग्रेड की बात करते हैं, यहाँ 132 केवी का जो ग्रेड है वो भी अशोक गहलोत के राज में यहाँ बना हुआ था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने 4.5 साल में कितनी स्कूलें बंद की हैं ये बता दो गिण के ना इस मुंडार विधानसभा में। आपने स्कूल बंद करने का काम किया है, आप शिक्षा की बात करते हो, आपने 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 जिस जगह इन युवाओं के साथ में आपने जो धोखा किया है, आज कह रहे हो कि आप यहाँ हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, ये कह रहे हैं कि आज यहाँ हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है। ये भौगोलिक क्षेत्र में मुंडावर जो विधानसभा है शायद इस अलवर जिले में सबसे ज्यादा बड़ी विधानसभा है, और इस में आम गरीब जो आदमी है वो इस विधानसभा में रहता है, पैसे वाले जो लोग हैं जो बीजेपी के लोग हैं वो सब बाहर रहते हैं, यहाँ नहीं रहते, उनको जरूरत नहीं यहाँ हॉस्पिटल की और डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ ओपीडी तो जब हो जब डॉक्टर की व्यवस्था करो, आपका कोई एमडी डॉक्टर नहीं, यहाँ लेडीज डॉक्टर नहीं, एक भी आदमी यहाँ उपलब्ध रात को मिलता नहीं है। आप ये बात करते हो कि अब यहाँ ओपीडी नहीं है, ओपीडी तब होंगे जब आप यहाँ व्यवस्था देंगे, तो यहाँ मरीज आएगा, मरीज तो सीधा का सीधा बेचारा 2-2 हज़ार रुपये गाड़ियाँ खर्च करके अलवर जाता है। और मैं बात है मंजीत जी क्या कहना चाह रहे हैं, वकील साहब कह रहे हैं कि यहाँ ओपीडी की आप कह रहे हो कि यहाँ डॉक्टर की वो कह रहे हैं व्यवस्था नहीं है और उनको अपने इलाज के लिए शहर की तरफ भागना पड़ता है। अभी जैसे अशोक भाई खुद कह रहे थे कि यहाँ पे अभी हाल फिलहाल 3 डॉक्टर हैं जी, आप दोनों भाइयों की बात में ही फर्क है, तो इससे ज्यादा तो मैं क्या बोलूंगा। एक भाई कहता है कि 3 डॉक्टर हैं, एक कहता है एक भी नहीं है, अब इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। 100 बेड के हॉस्पिटल की बात है तो उस बारे में हम चर्चा पहले कर चुके हैं और हम बता चुके हैं कि नॉर्म्स पूरे नहीं होने पर वो हॉस्पिटल खुला नहीं। जिस दिन नॉर्म्स पूरे हो जाएंगे मैं आपके माध्यम से सबको विश्वास दिलाता हूँ कि वो हॉस्पिटल यहाँ पे खुलेगा। जिस दिन नॉर्म्स पूरे हो जाएंगे मैं आपके माध्यम से यहाँ विश्वास दिलाता हूँ कि हॉस्पिटल यहाँ पे खुलेगा जी। महिलाओं की दृष्टि से आप क्या कहना चाहेंगे भाजपा सरकार के 4.5 साल बीजेपी का राज आने के बाद में, ये जो बीरबानिया का बच्चा कटवावा था पहले तो वो करवाओ था जाचर, फिर जाचाड़ो पैसा ले थो और फिर सफाई का पैसा ले था, और ई मोदी आने के बाद में लड़की राखी जा रही से और बचाई जा रही से, और 50,000 रुपया तक मोदी सारो लगा रहे। मोदी सरकार में आप कहना चाह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो सिद्धांत है ये तो मोदी जी करे, और सुंदरा जी ने सुबेरा बीरबानिया खातिर वादे से बिजली दे से दूध बिलाउन खातिर और घर घर में पानी पहुंच गयो, नहीं तो लुगाई नलका पर खसिया करया करती, नलका भी ना सुध रहे था जी। और जिस तरीके से महिलाओं का कहना है कि मोदी सरकार और भाजपा सरकार के बाद उन्हें पानी की सहूलियत हुई, महिलाओं को काफी लाभ मिला, क्या कहना चाहेंगे एक आम आदमी हमारे साथ? तहसील के बारे में कहना चाह रहे हैं मुंडावर की, में मुंडावर हमने रजिस्ट्री कराई अभी तो लोग कहते हैं कि तहसीलदार बैठा है, तहसीलदार आया भी नहीं है, रजिस्ट्रार दस्तखत कर दिए हैं, चार दिन मैं भी चक्कर काट काटने के 8 लाख की रजिस्ट्री को हमारी 4 लाख में रजिस्ट्री करके ऑनलाइन कागज के जरिए रजिस्ट्री हो रही है, 8 दिन बाद चला रहा है, तहसील में कोई बैठता नहीं है, इसलिए हमने कांग्रेस बीजेपी से कोई वो नहीं है, एक हमको खुशी तो चाहिए कि हमको मंजीत जी कोई बुरा नहीं है, मोदी जी बुरा नहीं है, पर एक आदमी आम जन को जो 5 लाख का चीज लिया है उसको लिए दर दर भटक रहा है, तहसील में कोई देख के जाके एक नीम का डाला तो अब 6 महीने में जाके हटा हुआ है, तहसील की हालत है, जो विकास के लिए कोई नहीं, हम आम जनता के लिए बहुत दुखी हैं। क्या कहना चाहेंगे जो ये आरोप लग रहे हैं तहसील में जिस तरीके से भ्रष्टाचार और इस तरीके के आरोप लग रहे हैं? ये भाई बहुत सही कह रहा है, हर विभाग में दलाली कर रखी है और बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा जी। आप क्या कहना चाहेंगे अभी जिस तरीके से बात आ रही है सामने की तहसील में जिस तरीके के दलाली और भ्रष्टाचार की बात आ रही है? जो भ्रष्टाचार और दलाली की जो बात हो रही है कि यहाँ जो भी SDM यहाँ आते हैं प्रमोशन से, जो प्रमोटी लोग हैं और जो नए बच्चे RS बनते हैं वो यहाँ महीने 20 दिन भी नहीं रुक पाते हैं, और भ्रष्टाचार के नाम पे SDM तहसीलदार जैसे विकास अधिकारी का चार्ज एक AN लेवल के आदमी को 4 साल तक इन्होंने दे के रखा, तो भ्रष्टाचार की तो यहाँ पराकाष्ठा है और चारों तरफ, क्योंकि जब तक जनप्रतिनिधि वगैरह जागरूक होके इस चीज को चेक नहीं करेंगे तो भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। और जहाँ तक ये विकास की बात इन्होंने करी कि भाई 10 लाख का भी काम हुआ हो, तो मैं कहना चाहूँगा कि जिंदोली घाटी से लेकर ततारपुर तक की जो ये सड़क बनी ये कांग्रेस के राज में भंवर जितेंद्र सिंह जी है मेजर ओपी यादव साहब के टाइम में बनी, सोडावास से लेकर अजरकता तक की सड़क बनी, CISF का अपने अलीपुर सांचौद में जो सेंटर बना, भर्ती के जो सेंटर बने, वो सब कांग्रेस के राज में बने। तो निश्चित रूप से
जनता मन बना चुकी है। और जिस तरह से फिर मैं एक बार बात को रिपीट करूंगा कि 8 जगह कांग्रेस जीती, 17 जगह कांग्रेस जीती और महारानी का जिस तरह से गौरव यात्रा का जगह जगह जनता स्वागत कर रही है, विरोध कर रही है, वो इस बात के लिए का गवाह है, साक्षी है कि कितना भ्रष्टाचार और कितना विकास इस राज्य में हुआ है। गौरव जी, एक तरफ गौरव यात्रा चल रही है, एक तरफ संकल्प यात्रा भी आपकी चल रही है, ऐसे में क्या लग रहा है, क्या इफेक्ट आने वाला है इन सब चीजों से? देखिए, इफेक्ट तो जनता अपने उपचुनाव में दिखा चुकी है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि नीम राणा में बढ़ते हुए जो अपराध हैं उनको लेके कोई चिंता नहीं है। नीम राणा में जो हमारे युवा वर्ग है वो आज धरने पे बैठा है, इतने दिनों से रैली निकाल के लोगों को इकट्ठा कर रहा है, फिर भी सरकार नीचे उतरी, इसके लिए बड़ी ये दुखद बात है। कितना कुछ होते हुए भी ये निकम्मी सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आने वाले समय को देखते हुए अगर योजनाएं नहीं बनाई गई तो इस मुंडावर को और पिछड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं अब भी कहूंगा अब भी समय सरकार चेत जाए, नहीं तो जनता ऐसा करारा जवाब देगी कि आपकी जमानत किसी कैंडिडेट की नहीं बचेगी। जो आप देख रहे हैं जिस तरीके से चुनावी चौपाल में हमने मुंडावर विधानसभा के हाल जाने, हम आपको बता दें कि अलवर की 11 विधानसभाओं में से एक ही मुंडावर की विधानसभा है जहां इस समय हम चुनावी चौपाल में जानने के लिए पहुंचे थे कि क्या है यहां के हालात, क्या विकास कार्य हुए 4.5 साल में भाजपा के शासनकाल में। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे 4.5 साल में भाजपा सरकार पर? भारतीय जनता पार्टी ने जो 4.5 साल में विकास किया वो पिछले 50 साल में वैसा विकास नहीं हो पाया और आगे भी इससे भी ज्यादा विकास करने की उम्मीद है, हमें पूरी पूरी उम्मीद है। आप क्या कहना चाहेंगे साहब? विकास तो 4.5 साल में खूब विकास हुए हैं साहब जी, मुंडावर में भी हुए हैं जी, यहाँ गौरव पथ और खूब काम हो रहे हैं। जो लेडीज घर में कमाने नहीं जाती थी, घर में बैठी रहती थी, वो सुबह जाती है काम करने। वसुंधरा सरकार ने खूब काम किए 4.5 साल में। बस स्टैंड के क्या हालात हैं? बस स्टैंड की हालत तो जगह ही यही है जी। अब दूसरा कोई सेंक्शन तो अभी मांग रखी गई आप लोगों की तरफ से? मांग रखी है जी। स्टैंड की मांग रखी है, स्टैंड की मांग की चिट्ठी भेज रखी है, हॉस्पिटल की मांग करी थी जी। मरीज नहीं है इतने, 100 बेड का बन जाए, 100 बेड का मंत्री जी से बात। ये बहुत बड़ी बात है कि हम मुंडावर में हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि यहाँ मरीज नहीं है, यह एक अच्छी बात है, मरीज नहीं है सर आपके क्षेत्र में। बहुत बड़ी बात है साहब, जो बातें ये कह रहे हैं इससे बड़ी झूठ आप देख रहे हो। आप तो इस बात को जानते हो, आप ये जनता को बताओ जो ये लोग बोल रहे हैं, ये बीजेपी के लोग जो बोल रहे हैं, जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं मरीज नहीं है, तो आप ये बात ऊपर बताओ। मुंडावर एक ऐसा कस्बा है जो बीजेपी, बहुत बड़ी बात है, राजस्थान में हम मुंडावर में हम आज पहुंचे हैं कि जहां ये बताया जा रहा है सर आपके क्षेत्र में मरीज नहीं है इसलिए 100 बेड का अस्पताल पास नहीं हो पा रहा, क्या कहना चाहिए? ये सब गलत बहाना है, जहां हॉस्पिटल है वहां मरीज आएगा, जहां दुकान है वहां मिठाई है वहां खाने के लिए जाएगा, जहां है ही नहीं तो वहां काम हॉस्पिटल में जो डॉक्टर ही नहीं तो अपना पेशेंट मारने के लिए कौन जाएगा, ये सरासर झूठ है। क्या कहेंगे मुंडावर की अगर हम बात करें? देखो, मुंडावर में बहुत सारी समस्याएं हैं, एक समस्या नहीं ग्रानी स्टार्ट करूं तो हजारों समस्याएं हैं। मुंडावर में अच्छी सड़कें नहीं, मुंडावर में कोई बस स्टैंड नहीं, मुंडावर कस्बे को देख करके लगता है कोई बाहर से आदमी आने वाला। आप भी बाहर से आए हैं क्या, देख के आपको लगा विधानसभा क्षेत्र का तहसील हेडक्वार्टर है? इतनी समस्याएं, नौजवान को रोजगार नहीं मिलता है, थाने तहसील में बुजुर्ग का, यहाँ के आम आदमी का सम्मान नहीं होता है, और यहाँ जो चीजें नहीं होनी चाहिए, जो काम थाने तहसील में नहीं होना चाहिए वो सारे काम हो रहे हैं, आम आदमी यहाँ का परेशान है। मैं यूँ कहूँ कि पिछले लंबे समय से, पिछले 5 साल से तो मैं यूँ कहूँ कि यहाँ का आम आदमी बड़ा त्रस्त है हर चारों तरफ की समस्याओं से, नौजवान से लेकर बुजुर्ग से लेकर महिलाओं से लेकर कोई भी आदमी यहाँ जो है राज का फायदा किसी को नहीं मिल रहा है यहाँ पर जी। हमने आपको दिखाया मुंडावर विधानसभा के चुनावी हाल है, चुनावी माहौल है, चुनावी चौपाल है, यहाँ पर दोनों ही पक्ष के लोग हमारे साथ मौजूद थे, भाजपा के भी और कांग्रेस के भी। कांग्रेस ने और भाजपा ने दोनों पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, क्योंकि अब समय है चुनावी साल का, दिसंबर में होने वाले चुनाव में आखिर साफ हो पाएगी तस्वीर कि आखिर विकास कार्य हुए या नहीं हुए, यह आने वाले दिसंबर के चुनावों के बाद ही सामने आ पाएगा। कैमरामैन रूपेश के साथ जुगल किशोर, गांधी जी मीडिया, अलवर।